नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण आज आपके सामने प्रस्तुत हूं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बात करने वाले हैं, वो है बाजार विफलता। आइए पहले हम सब जानते हैं कि बाजार विफलता से हमारा क्या अभिप्राय है। बाजार जो है वो बाजार तंत्र पर आधारित होता है, मार्केट मैकेनिज्म्स पर आधारित होता है। बाजार तंत्र क्या है? बाजार तंत्र मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा वस्तुओं की कीमतों का निर्धारण है। बाजार तंत्र इसी आधार पर काम करता है, मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पर काम करता है। और बाजार तंत्र का एक जो मुख्य काम है वो कुशल साधन आवंटन को सुनिश्चित करना है। अगर बाजार तंत्र अपने आप में एक कुशल साधन आवंटन के लिए पर्याप्त ना हो तब उसको हम बाजार विफलता कहते हैं। बाजार विफलता को समझने के लिए हमें बाजार सफलता को समझना जरूरी है, और बाजार सफलता को जानने के लिए हमें बाजार के कार्यों को समझना जरूरी है। बाजार के दो मुख्य कार्य हैं, एक है साधनों का कुशल वितरण जिसको हम उत्पादन कुशलता कहते हैं, और दूसरा है संसाधनों का कुशल आवंटन जिनको हम आवंटनात्मक कुशलता कहते हैं। आइए देखते हैं क्या है ये। अब बाजार सफलता का क्या अर्थ हुआ? ये हुआ कि मांग और पूर्ति की शक्तियां साधनों को उन वस्तुओं के उत्पादन में लगाती हैं जिन वस्तुओं की समाज को सबसे अधिक आवश्यकता होती है, तो उसको हम आवंटनात्मक कुशलता कहते हैं। तो आवंटनात्मक कुशलता क्या है? आवंटनात्मक कुशलता से हमारा अभिप्राय ये है कि बाजार तंत्र है वो उन वस्तुओं के उत्पादन में साधनों को लगाती है जिन वस्तुओं को समाज की सबसे अधिक जरूरत होती है, तब हम कहते हैं कि ये आवंटनात्मक कुशलता है। और आवंटनात्मक अकुशलता कब होगी, इनएफिशिएंसी कब होगी? तब होगी जब उपभोक्ता एक कुशल मूल्य का भुगतान नहीं करता है। अब कुशल मूल्य कौन सा है? कुशल मूल्य है जब पीएमसी के बराबर हो, वो कुशल मूल्य है। कि जब प्राइस है, कीमत जो है वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो, तब हम कहते हैं कि ये आवंटनात्मक कुशलता है। लेकिन अगर ये नहीं है, पीएमसी के बराबर नहीं है, दूसरे शब्दों में अगर हमारा जो एआर है, पीएआर है ना, एआर अगर एमसी के बराबर नहीं है, तो उस अवस्था में हमारी आवंटनात्मक कुशलता नहीं होती। अगर ये बराबर है तो हम कहते हैं कि आवंटनात्मक कुशलता हमने प्राप्त कर ली है। और आपको पता है ये स्थिति जो है एआर और एमसी का कब बराबर होता है? केवल पूर्ण प्रतियोगिता में बराबर होता है। ठीक है, तो बाजार सफलता का हमारा क्या मतलब हुआ कि बाजार सफलता का अर्थ यह हुआ कि जो मांग और पूर्ति की शक्तियां हैं वो साधनों को उन विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में लगाती हैं जिन वस्तुओं की समाज को सबसे अधिक आवश्यकता होती है। और आवंटन कुशलता तब, और ये तब होता है जब जो किसी वस्तु का कीमत जो है वो उसकी सीमांत लागत के बराबर होती है, तो उस अवस्था में हम कहते हैं कि बाजार जो है वो सफल है। अब इसके साथ साथ, ये तो आवंटनात्मक कुशलता थी, हमने उत्पादन कुशलता की बात की थी। उत्पादन कुशलता तब पाई जाती है जब कोई फर्म साधनों को इस तरीके से संयोजित करती है, साधनों का संयोजन, साधनों का मिक्स इस तरीके से करती है ताकि जो उत्पादन होता है वो न्यूनतम संभव लागत पर किया जा सके। यानी साधन जो हैं वहां काम पर लगें जहां वो सबसे ज्यादा कुशल है। यानी उत्पादन जो है अगर न्यूनतम संभव लागत पर होता है तब हम कहते हैं कि उत्पादन कुशलता हमने प्राप्त कर ली है। और इसके विपरीत, अगर साधन ऐसी जगह काम पर लगे हुए हैं जहां उनकी कुशलता सबसे बेहतर नहीं है, तो उस अवस्था में हम कहेंगे कि जो साधनों के जो हमारा उत्पादन की जो कुशलता है वो हमने प्राप्त नहीं की है, क्योंकि हम जो सबसे कम इकाई है वहां पर, इकाई लागत है वहां पर उत्पादन नहीं कर रहे हैं। यानी जो हमारी एवरेज कॉस्ट मिनिमम है हम उस पॉइंट पे अगर प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं तब हम कहते हैं कि साधन जो है उत्पादन कुशलता है नहीं है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि बाजार सफलता के लिए हमें उत्पादन कुशलता का पाया जाना भी जरूरी है और आवंटनात्मक कुशलता का भी पाया जाना जरूरी है। लेकिन अगर ये दोनों नहीं होते तब हम कहते हैं कि बाजार विफल हो गया। यानी बाजार विफलता क्या है? बाजार विफलता का मतलब है वो स्थिति जिसमें एक मुक्त बाजार कीमत अंतर वस्तुओं का आवंटन जो है वो कुशल रूप से नहीं करती, जिसके कारण कल्याण की हानि होती है, वेलफेयर लॉस होता है पूरे समाज को, तो उसको हम कहते हैं कि बाजार अपना जो कार्य है
आवंटनात्मक कुशलता और उत्पादन कुशलता सुनिश्चित करने का उसमें वो सफल नहीं हो पा रहा है। चलिए, जेबी टेलर की डेफिनेशन है कि बाजार विफलता वह स्थिति है जो कुशल आर्थिक लागत को प्राप्त नहीं करती है। कुशल आर्थिक लागत कौन सी है? सबसे कम इकाई लागत पर उत्पादन और P=MC। अगर ये नहीं है तो हम ये कहते हैं कि कुशल आर्थिक लागत हम प्राप्त नहीं करते हैं, जिसके कारण बाजार विफल होता है। और जब बाजार विफल होता है तो सरकार के हस्तक्षेप की संभावनाएं बनी होती हैं, और उन्होंने तीन मुख्य कारण बताए हैं, सार्वजनिक पदार्थ, बाहरी प्रभाव और बाजार शक्ति। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। इसको डिस्कस करने से पहले हम ये जानते हैं, बाजार विफलता को समझने के लिए हम एक बार बाजार तंत्र की तरफ देखते हैं। जाना पहचाना डायग्राम है आपका, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी, वाई एक्सिस पे प्राइस, ये आपका डिमांड कर्व है। ठीक है, हमने कई बार बनाया है, हमने शुरुआत अपनी यहीं की थी, मैं फिर से इसको एक बार एक्सप्लेन करता हूं। डिमांड कर्व हमें क्या बताता है? डिमांड कर्व हमें बताता है कि किसी वस्तु की अलग अलग कीमतों पर उपभोक्ता कितनी मात्रा खरीदने के लिए तैयार है। अलग अलग कीमतों पर उपभोक्ता कितनी मात्रा खरीदने के लिए तैयार है। मान लो उपभोक्ता जो है ये इस लाइन के बराबर कीमत है, तो वो कितनी मात्रा खरीदेगा? इतनी मात्रा खरीदने के लिए तैयार है। तो मांग कर्व हमें बताता है, मांग कर्व का हर बिंदु हमें बताता है कि किस कीमत पर उपभोक्ता कितना सामान खरीदने के लिए तैयार है। यानी उपभोक्ता की मांग अलग अलग कीमतों पर कितनी मात्रा की होगी वो हमें बताता है। या दूसरे तरीके से हम सोच सकते हैं कि इतनी मात्रा के लिए तो उपभोक्ता इतनी कीमत देने के लिए तैयार है, लेकिन अगर उससे ज्यादा मात्रा खरीदवानी है तो कम कीमत लेगा। तो इस तरीके से जो हमारा मांग कर्व है उसका हर बिंदु हमें बताता है कि किस कीमत पर उपभोक्ता कितना सामान खरीदने के लिए तैयार है। हर बिंदु हमें यही बताएगा। ठीक है, अब इसका अर्थ क्या हुआ? जो हमारी ये लाइन है, सिंपल लाइन है, ये एक सिंपल लाइन नहीं है, इसमें बहुत सारी ये सूचनाओं का भंडार है, इसमें बहुत सारी सूचनाएं हैं। कौन कौन सी सूचनाएं हैं? डिमांड कर्व के माध्यम से, बेसिकली डिमांड कर्व क्या है? डिमांड कर्व जो उपभोक्ताओं की अधिमान है, उपभोक्ताओं की प्रिफरेंस है, उपभोक्ताओं की जो मांग है या उपभोक्ताओं की जो प्राथमिकताएं हैं, वरीयताएं हैं, उपभोक्ताओं को जो चाहिए वो मांग वक्र के माध्यम से उत्पादक तक अपनी सूचनाएं भेजते हैं। यानी मांग वक्र जो है वो सूचनाएं पहुंचाता है उपभोक्ताओं से लेके, उपभोक्ताओं से सूचना लेता है और उत्पादकों तक उस सूचना को पहुंचाता है। ठीक है, इसका मतलब एक बहुत बड़ी सूचना इसमें निहित है। ठीक है, अब हम डिमांड कर्व देखते हैं। डिमांड कर्व भी यही है, हरेक जो कीमत है उस पर हमें बताते हैं कि कितना सामान बेचने के लिए उत्पादक तैयार है, उत्पादक कितना सामान बेचने के लिए तैयार है। अगर इतना सामान ये कीमत है, अगर ये वाली कीमत है तो इतना सामान खरीदने के लिए बेचने के लिए तैयार होंगे, अगर कीमत ज्यादा हो गई तो वो ज्यादा सामान बेचने के लिए तैयार होंगे। अब जो हमारा सप्लाई कर्व है ये भी सूचनाएं देता है, उत्पादकों की सूचनाएं ये उपभोक्ताओं तक पहुंचाता है। यानी जो सप्लाई कर्व है वो हम कुछ सूचनाओं का ट्रांसमिशन करता है। वो सूचनाएं क्या हैं? वो सूचनाएं हैं कि उत्पादक उपभोक्ता को सप्लाई कर्व के माध्यम से बताता है कि मुझे अगर ये कीमत दी जाएगी तो मैं सिर्फ इतना सामान बेचूंगा, और अगर मुझे कीमत ज्यादा दी जाएगी तो मैं ज्यादा सामान बेचने के लिए तैयार हूं। यानी इसका जो हर बिंदु है वो उत्पादकों तक सूचनाएं, उत्पादकों के द्वारा सूचनाओं का ट्रांसमिशन करता है, किसके पास? उपभोक्ताओं के पास, हर बिंदु। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो उत्पादकों की सूचनाएं हैं जो सप्लाई कर्व के माध्यम से आती हैं, और उपभोक्ताओं की सूचनाएं हैं जो डिमांड कर्व के माध्यम से आती हैं। ठीक है, ये दोनों सूचनाएं जब किसी एक बिंदु पर मिलती हैं, जैसे मान लो ये बिंदु है, अब ये बिंदु पे क्या है? इस बिंदु पर क्या है? कीमत इतनी है, ये कीमत है ना हमारी इस बिंदु पर, इसका मतलब इस कीमत पर उपभोक्ता कहते हैं जी हम इतना सामान खरीदेंगे, सूचना ये भेजी है इन्होंने उपभोक्ताओं ने उत्पादकों तक, लेकिन उत्पादक कहते हैं नहीं इस कीमत पे तो हम इतना सामान बेचेंगे। इसका मतलब दोनों की सूचनाएं जो हैं वो मिली नहीं, दोनों की सूचनाएं एक समान नहीं है, अलग अलग हैं, तो ये यहां पर मार्केट नहीं आएगी। मार्केट कहां आएगी? मार्केट वहां पर जहां पर दोनों की सूचनाएं मिल जाएं। ये जो बिंदु है जिसको हमने ईड का नाम दिया है,
इस ई बिंदु पर ये सूचनाएं इकट्ठी हो गई। यहां पे हम ये कहते हैं कि जो उत्पादकों को चाहिए कि इस कीमत पर, ये कीमत आ गई ना नीचे, ओपी जीरो कीमत पर मैं ओ क्यू जीरो सामान बेचने के लिए तैयार हूं। अब यहां पर जो संतुलित कीमत है उसका निर्धारण होगा, ठीक है। अब जो डिमांड कर्व बनता कैसे है हमें यह भी देखना पड़ेगा, इसकी फॉर्मेशन कैसी होती है, जो हमने बनाया ना डिमांड कर्व, ये एक तो ये सूचनाओं का संप्रेषण करता है, सूचनाओं को आगे भेजता है, दूसरा ये अब बनने में भी कुछ सूचनाएं हैं, वो कौन सी सूचनाएं हैं, वो सूचनाएं हैं कि ये जो डिमांड कर्व जो फॉर्म होगा तो हमें ये पता लगेगा कि उपभोक्ता किसी वस्तु को खरीदेगा, उस वस्तु से उसकी कुछ ना कुछ उपयोगिता है, उपयोगिता प्राप्त करता है ना, और उस उपयोगिता को वो जो मनी के रूप में अनुपयोगिता है उससे कंपेयर करता है, और उसके बेसिस पे वो अपने डिमांड कर्व का, उसके डिमांड कर्व का हम निर्माण करते हैं। यानी डिमांड कर्व में उपभोक्ताओं की के जो वस्तुओं से प्राप्त उपयोगिता को भी शामिल करता है, जो समझते हैं कि हमें इतनी उपयोगिता मिलती है, ठीक है, उसको भी शामिल करता है, उसके आधार पर डिमांड कर्व बनता है। इसी तरीके से जो सप्लाई कर्व है वो जो लागतें हैं, जो उत्पादक को लगता है कि मेरी इतनी लागतें हैं, ठीक है, जो समझता है उन लागतों को अपने आप में शामिल करता है, ठीक। अब बाजार विफल कब होता है, बाजार विफल तब होगा जब मैंने क्या बताया था अभी कि जो उपभोक्ता है वो ये समझते हैं कि मैं वस्तु से कुछ लाभ मिलते हैं, अगर वो उन लाभों को जो वास्तव में उसे मिलते हैं वो उसको कम या ज्यादा समझ लेता है, तो डिमांड कर्व जो फॉर्म होगा वो उसकी सही लाभों को नहीं दिखाएगा, कुछ लाभ उसमें से छूट जाएंगे। इसी तरीके से जो सप्लाई कर्व में से कुछ लागतें छूट जाएंगी, जब ये शामिल नहीं होगा तो इसका मतलब जो बाजार का जो ई का निर्धारण है वो होगा तो सही, जो उसने समझा उपभोक्ता और उत्पादकों ने उस हिसाब से होगा, लेकिन क्योंकि डिमांड कर्व में सारी सूचनाएं जितनी होनी चाहिए वो उपलब्ध नहीं है, ना ही पूर्ति कर्व में वो उपलब्ध है, तो उस अवस्था में बाजार विफल हो जाएगा, ठीक है। अब कीमत संयंत्र जो है वो बाजार में तीन प्रकार के काम करता है, एक तो प्राथमिकताओं का प्रसारण करता है, जो मैंने बताया प्राथमिकताओं का प्रसारण करता है, प्राथमिकताओं के आधार पर ये बनता है, दूसरा इसका एक सिग्नलिंग फंक्शन होता है, सिग्नलिंग जो मैंने बताई थी कि सूचनाओं का ट्रांसमिशन होता है उपभोक्ताओं से उत्पादकों की तरफ और उत्पादकों से उपभोक्ताओं की तरफ, और तीसरा है राशनिंग कार्य। राशनिंग कार्य कुछ नहीं है कि जब कीमतें बढ़ जाएं, जब कोई चीजें कम हो जाएंगी तो वो अपने आप उसकी राशनिंग कर देगा, ये उन लोगों तक पहुंचाएगा जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है, यानी जो सबसे ज्यादा कीमत दे सकते हैं उन तक पहुंचाएगा, तो राशनिंग फंक्शन है। अगर ये फंक्शन जो वास्तव में होने चाहिए उनमें कुछ कमी होती है तब हम कहते हैं कि बाजार विफल है। अब जो बाजार विफलता के कारण है हमारे वो इन्हीं पर टिके रहेंगे, बाजार विफलता के मुख्य कारण क्या है जो हमने अभी कर्व बनाए उनके आधार पर भी हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। पहला है एकाधिकार। अब थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि आवंटनात्मक कुशलता तब होगी जब पी बराबर है एम सी होगा, लेकिन एमसी किसके बराबर होता है, एकाधिकारी फर्म क्या करती है, एकाधिकारी फर्म अपने लाभ को अधिक करने की कोशिश करती है, जब लाभ अधिक करती है तो क्या होता है एमआरएमसी के बराबर होता है, इसका मतलब, और एकाधिकारी में एआर और एमआर कर्व अगर आपको ध्यान हो तो इस तरीके के होते हैं, ऐसे होते हैं, नीचे गिरते हुए होते हैं, ऊपर एआर नीचे एमआर, इसका मतलब अगर एमआर और एमआर एमसी यहां बराबर हैं तो एआर ज्यादा होगा, इसका मतलब एमआर जो है वो एआर से अधिक होता है, यानी प्राइस जो होता है वो मार्जिनल कॉस्ट से अधिक होता है, इसलिए आवंटनात्मक कुशलता नहीं हो सकती, ठीक है। तो एकाधिकारी बाजार के होने के कारण उत्पादन में कमी आती है और जितना उत्पादन होना चाहिए उतना उत्पादन नहीं होता है और कीमतें जो हैं वो ज्यादा हो जाएंगी, जिसके कारण उत्पादन कम होगा और उत्पादन कम होगा तो उपभोक्ता के कल्याण को नुकसान हो सकता है। तो बाजार विफलता का एक मुख्य कारण बाजार में एकाधिकारी ताकतों का होना है। एकाधिकारी अगर ताकतें होंगी, अगर पूर्ण प्रतियोगिता है, मैंने बताया था वहां आपका पीएमसी के बराबर होता है, लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता को छोड़ के बाकी कोई भी बाजार है वहां पर एकाधिकारी शक्तियों के कारण वस्तु की कीमतें ज्यादा निर्धारित होती हैं, कीमतें ज्यादा निर्धारित होती हैं तो उत्पादन कम होता है और उत्पादन कम होता है तो हम कहते हैं कि उपभोक्ता के कल्याण को नुकसान होता है, यानी लोगों को कंजम्पशन के लिए जो चीजें मिलती हैं जितनी मिलनी चाहिए उससे कम मिलती हैं। इसके बाद दूसरी जो बाजार विफलता का मुख्य कारण है वो ये है कि फर्में जो हैं वो अपने जो लागत है उनकी जो लागत है, लागत कर्व जो है, ऐसा होता है ना लागत कर्व, ये लागत कर्व है, तो यहां लागत न्यूनतम है,
अगर हम उत्पादन यहां बढ़ाते जा रहे हैं तो यहां लागत न्यूनतम है। अगर हम यहां उत्पादन करने की बजाय मान लो यहां उत्पादन करते हैं, नॉर्मली अगर देखे होंगे आपने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी देखा होगा, जब हम इक्विलिब्रियम पॉइंट डिस्कस करते हैं तो इस पॉइंट से लेफ्ट की साइड में कोई नॉर्मली हमारा एसी कर्व होता है, यानी या तो हम यहां उत्पादन कर रहे होते हैं या यहां कर रहे होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब फर्में न्यूनतम लागत पर काम नहीं कर रही होती तो वो जो उनकी कुशलतम उत्पादन क्षमता है उसका प्रयोग नहीं करती और कुछ उसको उसमें से छूट जाता है, तो उसको हम एक्सेस कैपेसिटी कहते हैं। ठीक है, तो इसके कारण भी बाजार विफल हो जाता है, क्योंकि जहां सबसे ज्यादा कम हमने कहा था ना उत्पादन कुशलता यहां होगी, लेकिन हम उत्पादन यहां कर रहे हैं तो इसका मतलब उत्पादन अकुशलता उत्पन्न हो सकती है जब हम एलएचसी वक्र के न्यूनतम बिंदु पर फर्में काम नहीं कर रही होती है। तीसरा जो मुख्य कारण है बाजार विफलता का वो है कि जब संपत्ति अधिकार स्पष्ट रूप से परिभाषित ना हो। संपत्ति अधिकार का क्या मतलब हुआ कि मालिकाना हक, अगर मालिकाना हक स्पष्ट रूप से परिभाषित ना हो तब बाजार विफल हो सकता है। जैसे शुद्ध हवा का कोई मालिक नहीं है, बगीचे का, एक बगीचा है उसका जो पब्लिक गार्डन है उसका सपोज कोई मालिक नहीं है, तो उस अवस्था में बाजार जो है वो विफल हो सकता है, क्योंकि जब कोई मालिक नहीं है तो उस अवस्था में उन साधनों का दुरुपयोग और अति उपयोग हो सकता है। तो जब संपत्ति अधिकार स्पष्ट परिभाषित ना हो तब बाजार तंत्र विफल हो जाता है। जब किसी वस्तु के प्रयोग से मिलने वाले लाभ के लिए गैर अदायगी करने वालों को अलग करना संभव ना हो, यानी किसी चीज के उपभोग के लिए जो पे करते हैं और जो पे नहीं करते दोनों को अलग अलग करना संभव ना हो, तो हम कहते हैं कि वो गैर वर्ज्यता है, यानी किसी को उसके यूज करने से हम नहीं रोक सकते, चाहे उसके बदले में वो कुछ फीस दें या ना दें, तो उस अवस्था में जो गैर वर्ज्यता है उसके कारण भी जो बाजार विफल हो सकता है। इसके साथ साथ बाहरी प्रभावों के कारण, बाहरी प्रभाव क्या है, डिमांड एंड सप्लाई हमने डिस्कस की थी, ये डिमांड जो उपभोक्ता करता है वो अपना अपना लाभ देखता है, जैसे एजुकेशन है, मान लो कोई एजुकेशन की डिमांड है तो एजुकेशन की डिमांड वो अपने हिसाब लाभ होते हैं, तो सामाजिक लाभों को ये अपने में ध्यान में नहीं रखता है। अगर ये सामाजिक लाभ इसमें ध्यान में नहीं रखे जाएंगे तो उस अवस्था में जो बाजार विफलता है वो हो सकती है, यानी जिसको हम कहते हैं बाहरी प्रभाव। तो बाहरी प्रभाव कौन से हैं, बाजार में दो व्यक्ति हैं, एक खरीदने वाला और एक बेचने वाला, उपभोक्ता और उत्पादक। अगर उपभोक्ताओं और उत्पादकों के कार्यों के कारण, यदि उपभोक्ताओं और उत्पादकों के कार्यों के कारण किसी तीसरे व्यक्ति पर उसका कुछ प्रभाव पड़ता है तो उसको हम बाहरी प्रभाव कहते हैं। ये बाहरी प्रभाव काफी कम होती है जो समाज को चुकानी पड़ती है, तो हम कहते हैं कि नकारात्मक बाहरीता है। इसका मतलब जो डिमांड एंड सप्लाई कर्व बनेंगे वो सारी इन्फॉर्मेशन अपने अंदर शामिल नहीं रखेंगे, यानी जब हमने सप्लाई कर्व बनाया तो उत्पादक अपनी लागत देखता है, जो ईंट का भट्ठा लगा रखा है वो अपनी लागत देखता है कि मजदूरों को कितना दिया, कोयला कितने का लगा, लेकिन उसके कारण जो समाज को हानि होती है, प्रदूषण के कारण आसपास के लोगों की धुलाई का, कपड़े धुलाई का खर्चा बढ़ जाता है, बीमारियां होती हैं उसका खर्चा बढ़ जाता है, उसको शामिल नहीं करता है सप्लाई कर्व। जब ये सप्लाई कर्व सारी सूचनाओं को शामिल नहीं करेगा तो उस अवस्था में बाजार विफल होगा, क्योंकि जो आवंटन होगा इसके द्वारा दिया, जिसकी लाभों की जानकारी जो व्यक्ति उसको यूज कर रहा है उसको पूरी नहीं है, पूरी जानकारी नहीं है उसके लाभों की या उसकी लागतों की, डिमेरिट है, तो इसके कारण क्या होगा, बाजार विफल हो जाएगा, क्योंकि डिमांड और सप्लाई कर्व बनेंगे वो इन सारी इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर नहीं रखेंगे। इसके साथ साथ सामूहिक संपत्ति संसाधन है, कुछ ऐसे संसाधन है, तालाब में मछलियां हैं और उसका कोई मालिक नहीं है, सब सढ़ोड़
नदी, समुद्र, मछलियों का जो मछलियां उत्पन्न होती है ना मछलियों से, अगर बहुत ज्यादा निकाल ली तो साला में मछलियां समाप्त हो सकती हैं, यानी साधनों का अति दोहन हो सकता है अगर सामूहिक संपत्ति संसाधन हो तो। उस अवस्था में भी बाजार विफल हो सकता है। बाजार विफलता का एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण असीमित सूचना है। असीमित सूचना का मतलब है असीमित, सम का मतलब होता है बराबर, विषम कह सकते हैं इसको, विषम यानी जो समान ना हो, बराबर ना हो। अब डिमांड करो और सप्लाई करो हमने फॉर्म किए, इनमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हमने बात की, लेकिन किसी व्यक्ति, एक व्यक्ति के पास सूचनाएं ज्यादा है और दूसरे व्यक्ति के पास सूचनाएं कम है, तो उसके कारण भी जो डिमांड एंड सप्लाई करो बनेंगे वो सारी इन्फॉर्मेशन एग्जैक्ट ट्रूली इन्फॉर्मेशन अपने में शामिल नहीं करेंगे, जिसके कारण बाजार विफल हो सकता है। जैसे कि मान लो यूज की हुई कारें हैं, यूज्ड कारें हैं ना, पुरानी कारों का बाजार है जैसे, तो वहां बेचने वाले को पता है उसकी कार में क्या कमी है, उसके पास सूचनाएं पूरी हैं, लेकिन जो खरीदने वाला है उसे नहीं पता इसका एक्सीडेंट हो चुका है, इसका इंजन 3 बार खुल चुका है, वो उसको नहीं पता जो खरीदने वाला है। तो इसका मतलब विषम सूचनाएं होगी, जो बेचने वाला है उसके पास सूचनाएं ज्यादा हैं और खरीदने वाले के पास सूचनाएं कम हैं, तो उस अवस्था में भी बाजार सफल नहीं होगा। बाजार सफलता के लिए जो डिमांड एंड सप्लाई करो हैं उनमें सारी इन्फॉर्मेशन होनी जरूरी है, तभी ये जो एलोकेशन होगा, यहां एलोकेशन किया ना इस वस्तु के लिए, तो ये जो एलोकेशन होगा ये जो कुशलतम नहीं होगा, तो इसके कारण भी बाजार विफल हो सकता है। और बाजार विफलता का एक और मुख्य कारण लुप्त या लुप्त बाजार है, जब बाजार होता ही नहीं है, शुद्ध हवा का कोई बाजार नहीं है, कोई भी हवा में कुछ भी छोड़ सकता है क्योंकि बाजार नहीं है इसका, ठीक है, तो कीमतों का निर्धारण ही नहीं हो सकता, तो उसमें बाजार जो है वो काम नहीं कर सकता। अगर हमें हवा के प्रदूषण को रोकना है तो फिर बाजार से काम नहीं चलेगा, क्यों, हमें सरकारी हस्तक्षेप करना पड़ेगा क्योंकि उसका कोई बाजार होता ही नहीं है। तो ये कारण है जिनके कारण बाजार विफल होता है। तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया बाजार विफलता क्या होती है, बाजार विफलता से आप क्या समझते हैं, हमने देखा बाजार सफलता क्या होती है और बाजार सफलता से हम क्या समझते हैं। इसके बाद हमने दो प्रकार की सफलताओं को डिस्कस किया, जो बाजार सफलताएं दो प्रकार की सफलताओं को सुनिश्चित करती है, एक है आवंटन में कुशलता और दूसरी है वितरण में कुशलता, यानी उत्पादन में कुशलता। जहां यहां मैं वितरण की बात कर रहा हूं, ये वस्तुओं के वितरण की बात नहीं कर रहा हूं, ये साधनों के वितरण की बात कर रहा हूं कि साधन कहां कहां काम पे लगेंगे, जहां, ठीक है, ये हमारी उत्पादक कुशलता है। और उसके बाद हमने डिस्कस किया मांग और पूर्ति कर्व बना के, हमने ये देखा कि किस तरीके से मांग और पूर्ति की जो सूचनाएं हैं वो ये सुनिश्चित करती हैं कि साधनों का आवंटन जो है वो कुशलतम हो, लेकिन कुछ कारणों से ये आवंटन कुशल नहीं हो सकता, इसके कारण हम कहते हैं बाजार विफल हो गया। तो हमने बाजार विफलता के कारणों को भी